उल्लेख है कि आत्महत्या करने की घोषणा करना, आत्महत्या का प्रयास करना और आत्महत्या के लिए किसी को उकसाना कानूनन अपराध है। उस नज़र से गिरिराज सिंह, श्रवण कुमार और जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह के खिलाफ तत्काल पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग एक तो अवधा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, दूसरे उनको उकसा रहे हैं कि कब कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, कौन उनको रोकेगा। कल आरएसएस के प्रमुख नेताओं की एक गुप्त मीटिंग हुई नीतीश जी के घर पे, सरकारी आवास। ये वो नीतीश जी हैं जिन्होंने कहा था कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन अब नीतीश जी को बताना चाहिए कि कल क्या वजह हो गई कि उनको सरकारी आवास पे आरएसएस के प्रमुख नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात करनी पड़ी। कांग्रेस इस मुलाकात का खुलासा चाहती है, आखिर क्यों, कौन सी राजनीतिक सौदेबाजी हुई, क्या उनको अपने पद पर आरएसएस रहने देगा या आरएसएस के आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी, या गिरिराज सिंह जैसे और भी बीजेपी के नेता जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उनको निकालने की बात आरएसएस ने कबूल कर ली। इन तमाम पहलुओं पर कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार जी अपना स्टैंड क्लियर करें, राज्य की जनता को बतावें कि आरएसएस से मिलने के पीछे, आरएसएस के नेताओं से मिलने के पीछे उनका एजेंडा क्या है। गिरिराज सिंह ने जो कहा है आज मुजफ्फरपुर, मेरी राजनीतिक पाली खत्म हो गई, मुझे लगता है कि आरएसएस बीजेपी की एक कोशिश है कि बिहार में वो अपना चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार से उसका मोहभंग हो चुका है। और आप किसी भी समय देखेंगे बिहार की सरकार गिरेगी, या तो यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या बिहार को राष्ट्रपति शासन में धकेलने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ राजनीतिक अस्थिरता की ओर बिहार बढ़ रहा है और इसकी जवाबदेही नीतीश कुमार जी को लेनी होगी, कि उन्होंने जब से बीजेपी से दोबारा हाथ मिलाया तब से इस तरह की कठिनाइयाँ और राजनीतिक परिस्थितियाँ बिहार में बनी है। राज्य के लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं हो रही है, बाढ़ पीड़ितों के साथ भेदभाव हो रहा है, सिर्फ जदयू के विधायकों और सांसदों के क्षेत्र में राहत के पैसे बांटे जा रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी विधायकों के यहाँ तो भेदभाव हो ही रहा है। अब गिरिराज सिंह के बयान से लगा, सबसे पहले तो गिरिराज सिंह जी ने कल कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, अब कहा कि मेरी राजनीति खत्म हो गई है। उनके इस बयान पर सरकार के एक जदयू के मंत्री ने कहा तो कब इस आत्महत्या कर रहे हो बता दें। आज जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि वो जगह बता दें, समय बता दें। तो जिस तरह से जेडीयू के लोग बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि जदयू के बड़े नेता चाहते हैं कि गिरिराज सिंह आत्महत्या करें, लेकिन आईपीसी की धारा में इस बात का उल्लेख है कि आत्महत्या करने की घोषणा करना, आत्महत्या का प्रयास करना।